बासा कॉलेज कोहर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का शुभारंभ कॉलेज की प्रधानाचार्य आईडी शर्मा ने किया। बासा कॉलेज गोहर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के शुभारंभ अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य आईडी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। शनिवार से ये शिविर कार्यक्रम अधिकारी नेत्र सिंह वर्मा के निर्देशन में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि शिविर में बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व बौद्धिक विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों से बच्चों में सेवा भाव की भावना भी उत्पन्न होती है। शिक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक भी होना चाहिए, समाज के लिए भी होना चाहिए, और उसमें हम क्या सेवा कर सकते हैं। एनएसएस इज बेसिकली नेशनल सर्विस स्कीम। सर्विस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन दिस स्कीम। अपने स्टेट्समैन रहे हैं, हमारे जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं उसमें सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, तो सेवा का भाव जागृत करना ही स्टूडेंट लाइफ में एनएसएस जैसी एक्टिविटीज का एक प्राथमिक गोल रहा है। और एनएसएस के द्वारा मैं समझता हूँ कि छात्रों में इस भावना को जागृत किया जाता है कि वो समाज के भले के लिए काम करें, उसके लिए उत्थान के लिए और आसपास के जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें अपना सहयोग दें। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि समाज जो है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ 2-4 लोगों का इसमें समझ नहीं होता, उसमें सभी लोग हर वर्ग की साझेदारी होनी चाहिए। वही कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि समाज के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, ये सभी कार्य स्वयं से भी शिविर में सीखते हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक अपनी भागीदारी निभा रही है। वही शिविर में भाग लेने वाले वॉलंटियर्स में भी खासा उत्साह देखने को मिला। 7-day स्पेशल कैंप जो है आज 24 तारीख से शुरू हुआ है और 24 से 30 तक ये जारी रहेगा। इसमें जो है 52 वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तथा जिसमें से जो है गर्ल्स वॉलंटियर अधिक हैं। वाजिब है कि डे बाय डे जो है गर्ल्स हरेक सेक्टर में आगे बढ़ रही है, हरेक फील्ड में जो है इनकी भागीदारी जो है बढ़ रही है। लग रहा है कि जो स्त्री सशक्तिकरण की जो बात की जा रही है वो जो है आज साक्षात जो देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे साइंस ब्लॉक के नीचे जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ उसको साफ करना, उसको ड्रेनेज को हम ठीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे साइंस ब्लॉक की जो नींव है वो खराब हो सकती है, बिल्डिंग को खतरा हो सकता है और पानी इकट्ठा होने से यहाँ पे कई तरह की बीमारियाँ जैसे मलेरिया वगैरह भी हो सकता है, उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम गाँव के सर्वे किया हमने, तो उसमें हमें पता किया कि वहाँ पे सड़क ठीक, वहाँ पे हम हेल्प करेंगे लोगों की सड़क ठीक करने में, और जो यहाँ पे एक मात्र स्रोत है बावली पानी का लोगों का, तो उसको भी हम साफ करने जा रहे हैं। इस शिविर में 52 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं जो कि उत्सुकता के साथ कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। शिविर का समापन 30 दिसंबर को किया जाएगा। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।